उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए किसान भाई लोगों के लिए योगी सरकार ने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। 1 अप्रैल से सिंचाई का बिजली बिल बिल्कुल मुफ्त रहेगा, आपको बिल नहीं भरना पड़ेगा। जी हां, योगी सरकार ने किसान भाई लोगों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। 1 अप्रैल से किसानों को नलकूप से सिंचाई करने के लिए मुफ्त में बिजली मिलेगी। 0 बिजली बिल भी नहीं आएगा, यानी कि बिल भरना ही नहीं पड़ेगा, बिल पूरा आपका सरकार भरेगी। बिल में 100% छूट देने के लिए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट में 1500 करोड़ रुपए का अलग से बजट रखा था, तो उसी के तहत योगी सरकार ये छूट देने जा रही है। अच्छा भाई, देखिए बड़ी खबर, यूपी का ब्रांड योगी बना ग्लोबल। योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पर चला हैशटैग इंडिया के फेवरेट सीएम का ट्विटर पर ट्रेंड। योगी सरकार के 6 साल पूरे हो चुके हैं और भारत के सभी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के तौर पर जनता इन्हें देखती है। बड़ी खबर है, लंबे समय बाद पुराने अंदाज में दिखे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी के सामने राहुल गांधी पर जमकर बरसे और चेतावनी भी दे डाली। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही वाराणसी का दौरा किया था और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बोले। राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश को बाहर जाकर बदनाम करने की कोशिश करते हैं और ऐसे लोगों को हिंदुस्तान खुद कभी नहीं सत्ता में लाना चाहेगा। पीएम मोदी की मौजूदगी में कांग्रेस पर जमकर दहाड़े सीएम योगी, खोला राहुल गांधी के दुख का राज, यूपी की राजनीति में मानो भूचाल सा आ गया। और आपको बताऊंगा, कल तो राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था, तो उस पर भी योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ा वर्ग का कोई बेटा अगर देश के शीर्ष पद पर जाता है तो कांग्रेस और उसके नेताओं को ये फूटी आंख नहीं सुहाता है। और उनकी मान हानि करने के आरोप में ही राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है। सीएम योगी ने तीखा हमला करते हुए कहा कि कुछ लोग विदेश में लोकतंत्र पर सवाल उठाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। वैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी दौरे के दौरान यूपी की जनता को कहा कि आप सब लोगों को हमार प्रणाम बा। पीएम मोदी ने काशी के लोगों को कई बड़ी योजनाओं की सौगात दी और इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोग भले ही मुझे पीएम बोले, लेकिन मोदी तो खुद को सेवक ही मानता है। काशी में पीएम मोदी ने रोपवे का शिलान्यास किया। ये देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे है जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि 8 साल पहले लोग कहते थे बनारस में बदलाव नहीं हो पाएगा, लेकिन आज देखिए जनता खुद ये बदलाव देख रही है। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में पीएम मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया। पीएम बोले, निराशा की छवि से बाहर निकला यूपी, योगी सरकार की तारीफों के पुल भी बांधे और इस तरह से वाराणसी में यूपी नगर निकाय चुनाव की जमीन भी तैयार कर गए पीएम मोदी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कोरोना पर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। यूपी में कोरोना 8 दिन बाद 200% से भी ज्यादा बढ़ा। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 44 नए मामले आए। एक्टिव केस की संख्या भी बढ़कर 170 पहुंच चुकी है। एनसीआर फिर बना एपी सेंटर। और देखिए कोरोना की तैयारियों से निपटने के लिए गोरखपुर में 57 अस्पताल में 2900 बेड तैयार किए गए। आईसीयू के 1063 बेड और बच्चों के लिए पीआईसीयू के भी इतने ही बेड रिजर्व कर दिए गए। कोविड से फिर से जंग की तैयारी शुरू की जा चुकी है। वहीं देखिए बड़ी खबर, टीबी दिवस के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने 270,000 टीबी मरीजों को गोद लिया, 70% स्वस्थ हो चुके हैं। काशी में सीएम योगी बोले। बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन, ऊर्जा विभाग में 12 डायरेक्टर्स की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया। दरअसल यूपीपीसीएल चेयरमैन एम देवराज ने कई लोगों को विभाग में निदेशक बनाने की प्रक्रिया की थी, लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी डायरेक्टर्स की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। और देखिए उत्तर प्रदेश के हड़ताली बिजली कर्मचारियों को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से तगड़ा झटका लगा है। उनका 1 महीने का वेतन और पेंशन रोक दिया और आगे भी वो हड़ताल नहीं कर सकेंगे। दरअसल हाल ही में आपको बताऊंगा, कुछ दिनों पहले 72 घंटे की बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, तो इस मामले में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के 28 पदाधिकारियों का 1 महीने का वेतन और पेंशन रोकने का आदेश जारी कर दिया। साथ ही कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि भविष्य में ये कर्मचारी हड़ताल नहीं कर पाएंगे। टीबी दिवस के मौके पर वाराणसी में प्रधानमंत्री ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना से दुनिया को एक नया नजरिया मिल रहा है और पीएम ने टीबी को भारत से 2025 तक खत्म करने का संकल्प रखा है। अच्छा बड़ी खबर देखिए, योगी सरकार 7 दिन में 75,000 पिंक शौचालयों का कायाकल्प करेगी, यानी रीडेवलपमेंट करेगी। यूपी को स्वच्छ प्रदेश बनाने की दिशा में योगी सरकार का ये एक और नई पहल है। पीएम मोदी के स्वच्छता मिशन को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश को स्वच्छ प्रदेश बनाने के लिए योगी सरकार ने लक्ष्य तय किया। मात्र 1 सप्ताह के अंदर अंदर प्रदेश के 75,000 सीट शौचालयों का कायाकल्प और जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसको लेकर एक राज्यव्यापी अभियान चलाने की घोषणा की है। बड़ी खबर देखिए, अखिलेश यादव माफियाओं और सरगनाओं को लेकर चलते हैं साथ, सपा अध्यक्ष पर योगी के मंत्री शाह ने किया हमला। बड़ी खबर आ रही है, प्रयागराज में एनएसयूआई के छात्रों ने किया चक्का जाम। पीएम मोदी का पुतला भी फूंका, सड़कों पर लेट गए, कहा राहुल गांधी से डरी सरकार। अच्छा वह देखिए, यूपी में देर रात बड़ा फेरबदल किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों में 7 IAS और 8 PCS अधिकारियों के तबादले किए। ट्रांसफर में IAS किंजल सिंह को महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा और सुनील चौधरी को विशेष सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण में तैनाती दी गई। अच्छा वही मौसम समाचार पर खबर है दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। यूपी के कई जिलों में आज तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। यूपी के कई जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वही देखिए, वाराणसी में भी मौसम का कहर देखने को मिला। टेंट सिटी में भारी तबाही सी मच गई। आंधी में उड़े कई लग्जरी विला, बुकिंग बंद की गई और इस बेमौसम बरसात से किसान भाई लोगों की फसलों को नुकसान हो रहा है। इसको लेकर देखिए, फसल बर्बादी का 72 घंटे के अंदर दावा करें। गाजीपुर में कृषि अधिकारी ने लोगों को जानकारी दी, बारिश और ओलावृष्टि से जिन भी किसान भाई लोगों की फसलों का नुकसान हुआ है वो 72 घंटे के अंदर क्षतिपूर्ति दावा पत्र जमा कराएं। अच्छा उत्तर प्रदेश में देखिए, सबसे तेज सोने का रेट चल रहा है। 61,800 रुपए तक पहुंचा सोने का भाव। 1 महीने के अंदर
सोना 2000 रूपए प्रति तोला तक महंगा हुआ। अभी लखनऊ के सराफा बाजार का ये अपडेट है। यहाँ सोने का भाव 61,800 रूपए प्रति 10 ग्राम चल रहा, जबकि इस समय चांदी का भाव 72,000 रूपए प्रति किलो तक चल रहा। दूसरे राज्यों के मुकाबले प्रदेश में सोना चांदी के रेट भी ज्यादा चल रहे हैं। वही देखिए दोस्तों, कल ही कानपुर में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। देहात में ऑयल फैक्ट्री में सिलेंडर ब्लास्ट के चलते एक की जान चली गई, 6 गंभीर रूप से घायल है। धमाका इतना तेज था कि दीवार की छत गिर गई, छत में भी दरारें पड़ गई। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, आरसीसी के लोहे और सरिया दिखने लग गए, इतनी तेज धमाका हुआ। बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी को लेकर योजना शुरू हो चुकी है। कार खरीदने पर 1,00,000 रूपए तक का फायदा मिलेगा। योगी सरकार ने टारगेट रखा, अगले एक साल में 2,56,400 इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर पंजीकरण शुल्क यानी कि रजिस्ट्रेशन शुल्क भी नहीं लगेगा और रोड टैक्स भी बिल्कुल माफ रहेगा। ये देख सकते हैं आप इस टेबल में अलग अलग दुपहिया, तिपहिया और फोर व्हीलर के लिए कितनी कितनी छूट मिलेगी। दोपहिया वाहन यानी कि इलेक्ट्रिक स्कूटी या बाइक खरीदोगे तो 5,000 रूपए तक की सब्सिडी देगी योगी सरकार। 2 मार्च 2024 तक ये सब्सिडी मिलेगी। और तिपहिया वाहन यानी कि ऑटो रिक्शा, टेम्पो वगैरह इलेक्ट्रिक खरीदने पर 12,000 रूपए का सब्सिडी देगी योगी सरकार। फोर व्हीलर कार वगैरह खरीदने पर सीधा 1,00,000 रूपए की छूट मिलेगी। और बिना सरकारी ई बस खरीदेंगे तो 20,00,000 रूपए की सब्सिडी मिलेगी। और ई गुड्स कैरियर यानी कि कॉमर्शियल व्हीकल अगर खरीदेंगे तो उस पर भी 1,00,000 रूपए तक की सब्सिडी मिलेगी। हालांकि सब्सिडी चाहिए तो कुछ नियम और शर्तें हैं, जिनकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सब्सिडी को क्लेम करने के लिए योगी सरकार की तरफ से एक नया पोर्टल भी बनाया जा रहा है। अच्छा, अगली खबर आ रही है, करौली बाबा आश्रम में जिस डॉक्टर को पीटा गया उनका एक इंटरव्यू सामने आ रहा। वो बोले कि बाबा पूरी तरह से ढोंगी हैं, उनको इलाज की जरूरत है, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। करौली बाबा के काफिले में 3 करोड़ की डिफेंडर कार भी शामिल है। बाबा कहते हैं मेरे यहाँ इलाज फ्री है, मगर एक दिन में इलाज चाहिए तो 1,50,000 रूपए का पर्चा भी कटाना पड़ता है। अच्छा, उमेश पाल मामले पर बड़ी खबर आ रही है, अतीक के दोनों नाबालिग बेटों का पता चला। धूमनगंज पुलिस ने सीजेएम कोर्ट को बताया कि बाल सुधार गृह में वो अवमानना केस की चेतावनी पर रिपोर्ट भी दी। वही खबर है कि दोबारा तैयार होगी अतीक गैंग की लिस्ट, माफिया के राइट हैंड आबिद प्रधान का नाम सूची से बाहर है। नए चार्ट में बेगम और बेटे भी शामिल होंगे। अतीक की पत्नी के साथ शूटर अरमान का एक और वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें प्रयागराज में डोर टू डोर कैंपेन के दौरान साइस्ता को कवर कर रहा, 5,00,000 का इनाम है इस पर भी। वही देखिये, मीट माफिया हाजी याकूब की भी 9 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया। 31 करोड़ की अवैध संपत्ति और चिन्हित की गई। 7 जनवरी से जेल में बंद है पूर्व मंत्री हाजी याकूब। बसपा सरकार में मंत्री रहे याकूब कुरैशी का घर भी सील कर दिया गया। पत्नी के नाम 9 करोड़ की कृषि भूमि को भी जब्त किया। 31 करोड़ की प्रॉपर्टी अब और कुर्क की जाएगी। अच्छा, वही देखिए बड़ी खबर, वाराणसी कैंट से 9,000 अमेरिकी डॉलर मिले। जीआरबी ने दंपति के पास से किए बरामद, करेंसी लेकर जा रहे थे पटना। सुल्तानपुर में कस्तूरबा विद्यालय के रेस्ट रूम में आग लग गई, छात्राओं में भगदड़ सी मच गई। बिस्तर भोजन समेत सभी सामग्री जलकर राख हुई, डीएम ने जांच के आदेश दिए। अच्छा, एक देखिए दोस्तों दिल दहला देने वाली खबर, किस तरह से कलयुगी मां ने अपने ही खुद के पेट के बेटा बेटी को जान से मार दिया, वो भी प्रेमी से शादी करने के लिए। ये बेटा बेटी की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, कितने मासूम लग रहे हैं दोनों भाई बहन। मां ने प्रेमी के साथ मिलकर नशे का इंजेक्शन दिया, फिर गला दबा दिया, फिर 25 किलोमीटर दूर गंग नहर में फेंक दिया। घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ की। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे होंगे, ये तस्वीर उसी निशा की है, उसी मां की है, जिस मां ने अपने हाथों से अपने बेटा बेटी को जान से मार दिया, वो भी प्रेमी के साथ शादी करने के लिए। यार, शादी करनी थी तो वैसे ही कर लेते हैं, एक मां ऐसा कैसे कर सकती है आखिर, जरा सोचिए, गौर कलयुग आ चुका है। बड़ी खबर है, नोएडा के एक्सपो मार्ट में हंगामा हुआ। वर्ल्ड स्टार्टअप मेगा कन्वेंशन में नहीं पहुंचे केंद्रीय मंत्री, स्टार्टअप्स बोले धोखा मिला है। अच्छा, आगरा में 5 दिन से चल रहा धरना हुआ समाप्त, विधायक ने लोगों को फुट ओवर ब्रिज बनवाने का दिया आश्वासन। गोरखपुर में 70 दुकानें बुलडोजर से जमी जोंद की गई, सामान भी नहीं निकाल सके दुकानदार, प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। दरअसल गोरखपुर में असुरन चौराहे के चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया और साथ ही इसमें बाधक बने करीब 70 दुकानों पर शुक्रवार को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करा दिया गया। ये कार्यवाही नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने की है। अच्छा, वह देखिए, लखनऊ में शुरू हुआ इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर, हैंडीक्राफ्ट समेत लाइफस्टाइल के कई प्रोडक्ट्स इसमें शामिल हैं। ईरान और अफगानिस्तान से भी विक्रेता यानी कि सेलर यहां आए हुए हैं। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शुक्रवार से 4th इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर शुरू हो चुका है। ये फेयर पूरे साल अलग अलग शहरों में आयोजित होता है। इस फेयर में करीब 15 राज्यों के और 8 देशों के विक्रेता अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। 24 मार्च से शुरू हुआ ये फेयर यानी कि मेला 2 अप्रैल तक चलेगा। आप भी अगर अपनी पसंदीदा कोई चीजों की शॉपिंग करना चाहते हैं तो जा सकते हैं। बड़ी खबर देखिए, डिप्टी सीएम ने 2.5 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को चेक भी सौंपा, और साथ ही उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। जी हां, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बाराबंकी के बसारा गांव में पार्क और अन्य विभागीय परियोजनाओं का लोकार्पण किया। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, कोसाम्बी में शूटर अब्दुल कवि के गांव में छापेमारी की गई। घरों से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए, दीवारों में छिपा कर रखे गए थे। वही देखिए, हाथरस के बागला जिला महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराने आई महिलाओं ने हंगामा किया, फ्लाईओवर पर जाम लगाया, बोली 200 रुपए लेकर अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं डॉक्टर, जबकि योगी सरकार ने इसको बिल्कुल फ्री कर रखा है, और इसीलिए महिलाओं ने विरोध भी किया। अच्छा, वही देखिए, हरदोई में 1,004 जोड़ों ने थामा एक दूसरे का हाथ। मंत्री नितिन अग्रवाल बोले कि सीएम की सोच ने गरीबों को बेटियों की शादी की चिंता से मुक्त कर दिया। दरअसल मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 1,000 से भी ज्यादा जोड़ों का ये हरदोई में विवाह संपन्न हुआ। अच्छा, वही खबर है कि टीबी मरीजों को वितरित की गई पोषण पोटली, निक्षय मित्रों को किया सम्मानित। विश्व क्षय दिवस पर जो कल वर्ल्ड टीबी डे था, इस मौके पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। आगरा में भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में टीबी मरीजों को पोषण पोटली और समाज को जागरूक करने के लिए
कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सहारनपुर में भी विश्व क्षय दिवस पर रैली निकाली गई। लाइव सुना गया पीएम मोदी का संबोधन। विधायक बोले कि टीबी मुक्त भारत बनाना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। पीएम मोदी ने कहा कि 2 साल में हारेगा टीबी। वाराणसी में वो बोले कि देश में 10 लाख टीबी मरीजों का फ्री में इलाज हो रहा है। बड़ी खबर है, फतेहपुर में निकाली जागरूकता रैली। विश्व टीबी दिवस पर किया जागरूक। सीएमओ ने हरी झंडी दिखाई। 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। और इसी तरह से बलरामपुर में भी विश्व टीबी दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। लोगों ने टीबी मुक्त करने का संकल्प लिया। विधायक बोले कि जल्द ही साकार होगा सपना। अच्छा, वही देखिए, मुजफ्फरनगर में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के तत्वाधान में ईट राइट मेले का आयोजन हुआ, जिसमें राज्य मंत्री कपिल देव ने संतुलित खानपान के लिए लोगों को जागरूक किया। मोटे अनाज की उपयोगिता भी बताई। अमेठी में भी विश्व टीबी दिवस के मौके पर जागरूकता रैली निकाली गई। जिला पंचायत अध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। टीबी हारेगा देश जीतेगा के नारे भी लगाए लोगों ने। श्रावस्ती में 65 टीबी मरीजों को पोषण आहार दिया। सीएमओ बोले टीबी का इलाज अब बहुत ही आसान है, चिकित्सक की देखरेख में उपचार कराएं। मऊ में देखिए, टीबी को मात देकर बने बने चैंपियन अब क्षय रोगियों का बढ़ा रहे हौसला। 22 टीबी चैंपियन क्षय उन्मूलन अभियान में योगदान दे रहे हैं। जो लोग टीबी से ठीक हो चुके ना, वो मतलब दूसरे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, और ऐसे ही करना भी चाहिए। इसी तरह से मऊ में भी 51 टीबी मरीजों को पुष्टाहार दिया और विश्व टीबी दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बुलंदशहर में भी पुष्टाहार किट दिए गए और कुछ इसी तरह से कार्यक्रम हुआ। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे होंगे, कोई सामान्य लड़की नहीं है, बहादुर बेटी है। मुरादाबाद की यह घटना है। यहाँ लुटेरों से भिड़ गई बहादुर बेटी और 2 लुटेरों को पकड़ भी लिया। मोबाइल छीनने की कोशिश कर रहे थे बाइक सवार लुटेरे, तो इसने दौड़ाकर कॉलर पकड़ा और फिर खींचा। 2 लुटेरे मौके पर पकड़े गए जबकि उनका एक साथी भाग गया। लेकिन देखिए जरा हौसला इस लड़की का। वाकई में नाम है इनका आरती और इनकी बहादुरी को, ब्रेवनेस को सैल्यूट यार। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है। एक दिन पहले बनी सड़क और दूसरे दिन उखड़ भी गई। खटिया सामग्री के निर्माण को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन देखा गया। बोले पैर मारते ही टूट गई। अमरोहा जिले के नौगावा सदात थाना क्षेत्र में आने वाले गांव अलीपुर कला व खंड साल कला समेत दूसरे गांव को जोड़ने वाली सड़क बनते ही उखड़ने लगी। एक दिन पहले ही पीडब्ल्यूसी की ओर से सड़क बनाई गई थी और दूसरे दिन तो उखड़ भी गई। तो ग्रामीणों ने फिर पीडब्ल्यूडी विभाग के ठेकेदार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। फिरोजाबाद में भी देखिए, सड़क के लिए नगर आयुक्त से मिले लोग बाग। बोले जगह जगह खुदी सड़कें और खुले मेन होल से कभी भी हादसे हो सकते हैं, इसलिए जल्द से जल्द इनको ठीक कराया जाए। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, हरदोई में जिम्मेदारों की उदासीनता से नहीं मिल सका आवास। हरदोई में दर्जनों ग्रामीणों ने आवास न मिलने को लेकर अपना दर्द बयां किया। दरअसल कई अभी भी ऐसे गरीब लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा नहीं मिल पा रहा। पात्र लाभार्थियों को आवास नहीं मिल रहा और इसीलिए लोगों ने अपना दुख व्यक्त किया। बड़ी खबर आनी, गाजियाबाद से हापुड़ के बीच चल सकती है रैपिड रेल। सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने शहरी विकास मंत्री से मुलाकात की और जल्द ही इसकी सौगात मिल सकती है। वही देखिए दोस्तों, नोएडा प्राधिकरण ने बड़ा एक्शन लेते हुए ग्रीनरी में लापरवाही बरतने पर 4 कंपनियों पर 12 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अच्छा, हापुड़ में शराब से बना कैंटर पकड़ा गया। 1000 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई। 50 लाख रुपए के करीब कीमत है। एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया। बड़ी खबर आ रही, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने ये मांग उठाई। 58 जिलों से कराए जाएंगे 11,000 सिग्नेचर। अच्छा, वही देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में 75,000 सीट शौचालयों का कायाकल्प अभियान शुरू हो चुका। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ाने के लिए नगर निगम के पीटीसीटी को किया जाएगा दुरुस्त। बिजली और पानी कनेक्शन की सुविधाओं को भी बेहतर किया जाएगा। अच्छा, वही देखिए, गोरखपुर में मिलेट्स थीम पर लगा ईट राइट मेला। डीडीयू में मिलेट्स से बने व्यंजनों के लगाए गए स्टॉल, अनाजों के फायदे भी बताए। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, सरकारी विभागों में नहीं चलेंगे 15 साल पुराने वाहन। 1 अप्रैल 2023 से स्क्रैप पॉलिसी लागू करने के लिए निर्देश, उत्तर प्रदेश में। बड़ी खबर है, खजाने का प्रसाद लेने को कानपुर में लगी कतार। वैभव लक्ष्मी मंदिर में नवरात्रि पर दिए जाते हैं सिक्के, सुबह से लगती है लंबी लाइन। कानपुर के प्राचीन मंदिर में भक्तों को खजाने के प्रसाद का वितरण किया गया। बड़ी खबर आ रही, ताजमहल में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। पुलिस पीएसी और सीआईएसएफ के जवानों ने दिखाई फुर्ती। 2 घुसपैठिए भी पकड़े गए। ताजमहल पर शुक्रवार को सुरक्षा बलों द्वारा आतंकियों की घुसपैठ की मॉक ड्रिल की गई कि अगर आतंकी हमला करते हैं तो किस तरह से मतलब कार्यवाही होगी, इसका एक डेमो ट्रायल हुआ। बड़ी खबर आ रही, 31 मार्च तक सभी गोवंशों को कराएं संरक्षित। लखीमपुर खीरी में डीएम ने दिए निर्देश। बाढ़, सूखा और हीट वेव से निपटने की तैयारी भी की जा रही है। अच्छा, वही देखिए, मेरठ में पार्क के निर्माण के लिए आई टाइल्स को तोड़ी। ठेकेदार ने बुला ली पुलिस। मानसिक दिव्यांग ने यह हरकत की थी, 50,000 का नुकसान हुआ। बड़ी खबर है, पंचायत भवन पर 6 महीने में 3री बार चोरी हुई। सुल्तानपुर में सेंध काट कर घुसे चोर। इन्वर्टर बैटरी के अलावा हजारों का सामान किया पार। अच्छा, शिक्षा और चिकित्सा सरकार की प्राथमिकता है। मेरठ में बोले ऊर्जा राज्य मंत्री, कहा देश को हाईटेक बनाने का किया जा रहा प्रयास। बड़ी खबर आ रही है, बिना रजिस्ट्रेशन चलने वाले अस्पतालों पर कार्यवाही होगी। सिद्धार्थनगर में इस संबंध में डीएम ने बैठक की और बोले कि मरीजों को बाहर से न लिखे दवाई। वह देखिए, पीलीभीत थाने से गायब हुई अष्ट धातु से बनी मूर्ति। हेड मोहर्रीर समेत कई लोगों पर मामला दर्ज हुआ। कई दिन तक थाने में मूर्ति ढूंढती रही गठित टीम। देखिए दोस्तों, यहां पर एक लापरवाही देखी गई। रेलवे प्रशासन की ट्रेन से टकराया सारस। हालत गंभीर, बरेली में पंख कटने से छटपटाता रहा। आईसीआर में अभी सारस का इलाज भी चल रहा है। और वैसे भी सारस का मसला तो आरिफ का जो चल रहा है वो भी काफी दुखद है। पक्षी विहार से लापता हो गया था सारस, वो 12 किलोमीटर दूर मिल भी गया। अमेठी के आरिफ की जो सारस से दोस्ती थी, मगर उसकी दोस्ती को तोड़ दिया गया, उनसे सारस छीन लिया गया। वही देखिए, भदोही में 6,000 वाहन डाले जाएंगे कबाड़ श्रेणी में। स्क्रैप पॉलिसी की तैयारी में जुटा विभाग। 2225 बाइक और 4,646 चार पहिया वाहन को 15 साल की मियाद पूरी कर चुके हैं, तो इसलिए योगी सरकार की स्क्रैप पॉलिसी के मुताबिक इन वाहनों को अब स्क्रैप में डाला जाएगा। वही देखिए, प्रयागराज में ट्रक पलटने से 16 गोवंशों की जान चली गई। 4 घायल भी हो गए। जेसीबी से डाला तोड़कर
उनके शव निकाले गए। बजरंग दल ने दो तस्करों पर एफआईआर भी दर्ज कराई। देखिए मतलब ये तो ट्रक पलट गई, पता चल गया बाकी कितनी गोवंश की तस्करी करते हैं अभी भी। बड़ी खबर है, अलीगढ़ में पशु चोरी करने वाले चार आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। ये अलीगढ़ में घटनाओं को अंजाम देते थे, हाथरस के रहने वाले चारों आरोपी। अच्छा भाई देखिए, पंजाब में चल रहे अमृतपाल मामले पर खबर है कि ये उत्तर प्रदेश के रास्ते नेपाल भाग सकता है, इसलिए 5 जिलों के बॉर्डर पर अलर्ट जारी किया है। महाराजगंज की 84 किलोमीटर सीमा पर भी पोस्टर लगाए गए, वांटेड अमृतपाल सिंह, ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। और खबर है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का दौरा किया, बीएचयू का, और इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बोले कि अस्पताल के प्रसार और फैकल्टी रिक्रूटमेंट की जरूरतें सरकार पूरा करेगी। और हाँ दोस्तों, साथ ही आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आप प्रदेश में उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में रहते हैं, आपके जिले और तहसील का नाम कमेंट में लिखिएगा। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और आपके अपने चैनल डेली यूपी न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि अपन उत्तर प्रदेश की फैमिली से एक साथ सभी जुड़ पाएंगे और आप रोजाना यूपी के काम की महत्वपूर्ण खबरें अपने मोबाइल पर देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।